अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लिटिल टेक इंजीनियर, और हमारे पास आया सुपर जम्बो i800 विगटल का मॉडल है। इसमें जो है ना कीपैड वर्क नहीं कर रहा है, तो हम इसका आपको फुल सॉल्यूशन ट्रैक बताएंगे न्यू मेथड में, जो पहले किसी ने नहीं अपलोड किया है। आसान तरीका है इसको बनाने का। इसके जो है ना चार की वर्क नहीं कर रही है, और वो की है इसका *#0, *#0 और मेन्यू की वाला लेफ्ट की, मेन्यू की का लेफ्ट की जो है ना वर्क नहीं कर रहा। ये डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ये चार की वर्क नहीं कर सकती है। तो ये आपको हम बनाने का तरीका बताएंगे कि हमने इसको कैसे ट्रेस किया है। वीडियो कंप्लीट देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। दूसरी बात ये कि मैंने इसको जो है ना पॉइंटों से चेक किया है, इसका कीपैड इसमें बिल्कुल भी जो मसला हल नहीं हुआ है। तो इसका मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूँ कि कहाँ से इसको बनाया है मैंने और ये कहाँ से आ रहा है। इसका मसला जो है ना मेन पावर आईसी से ही आ रहा है डायरेक्टली, ठीक है ना। ये डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, यहाँ से इसका पॉइंट आ रहा है। तो आपने करना क्या है, इसको CPU को जो है ना हल्का सा रिहॉट करना है। रिहॉट करने के बाद दोबारा चेक करना है, इंशाल्लाह ओके हो जाएगा। क्योंकि इसका प्लस वाला पॉइंट जो है ना सिर्फ और सिर्फ पावर आईसी से ही आ रहा है और कहीं से भी नहीं आ रहा है। तो अभी हम इसको रिहॉट कर रहे हैं, तो फिर देखिएगा इंशाल्लाह क्या होता है। और वीडियो कम्प्लीट देखिएगा, नहीं तो बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे मैंने इसको शॉर्ट एड किया है, बनाया है। तो अभी मैंने इसको रिहॉट कर लिया है CPU को, क्योंकि इसका मेन बटन जो है ना मेन पावर वाला प्लस वाला पॉइंट जो है ना डायरेक्ट पावर आईसी से ही आ रहा है। और अभी मैंने इसको ओके किया है, देखें ये ओके हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।